नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, अपनी जो 1000 प्रश्नोत्तरी वाली जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम जो बात करेंगे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर, और दोस्तों आज बता दूं आपको, कोई एडवांस नहीं देखेंगे लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए रहेंगे और सुपर फास्ट रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो अपन ने कल पढ़ा था कि नामदेव जो है कहाँ के संत थे, तो प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर था महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये था दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, नामदेव जो है ये संत थे महाराष्ट्र के। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जल्दी से बताएंगे, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों, ये आप सभी को बताना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, राइट आंसर जाएगा तो किसके साथ। देखिए दोस्तों, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने गए हैं, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा, शंकराचार्य जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जो भी प्यारे भाई बहनों ने ए ऑप्शन बताया उन सभी का राइट होगा। दोस्तों प्रीमियर लाइव कर रहा हूं नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण, और वो भी बहुत जल्दी में, कम समय में वीडियो दे रहा हूं। ठीक है, तो गुरु नानक का जन्म दोस्तों कहां पर हुआ, सिखों के गुरु नानक का जन्म कहां पे हुआ, तो राइट आंसर भिवानी जाएगा, लुधियाना जाएगा, जालंधर जाएगा या तलवंडी जाएगा। प्यारे दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर जाएगा आपका डी ऑप्शन के साथ, तलवंडी। और दोस्तों बता दूं, गुरु नानक जो है कहाँ पे आए थे, कोलायत में आए थे। यहाँ पे कोलायत में सिखों का है जो एक धार्मिक स्थल है जो कि कोलायत में दोस्तों। ठीक है, ये अपन ने जस्ट कल ही पढ़ा था, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर, मध्यकालीन भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों। देखिए दोस्तों, बात क्या हो रही है, मध्यकालीन भारत की हो रही है। ठीक है, वैसे दोस्तों आपको एक प्रश्न कर लिया जाए कि मुगल वंश के संस्थापक तो आप बाबर करेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मध्यकालीन भारत का पूछा है, मेडिवल इंडिया में मुगल वंश का संस्थापक दोस्तों आपका जाएगा सी ऑप्शन के साथ, अकबर जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होंगे, मध्यकालीन भारत पूछा है तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर देखेगा, फिलहाल 2 मिनट 4 क्वेश्चन जल्दी से। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज्क ए बाबरी किस भाषा में लिखा था, बिल्कुल दोस्तों फटाफट रफ्तार से, सुपर फास्ट। फारसी होगा, तुर्की होगा, उर्दू होगा या मंगोल होगा, राइट आंसर आप सभी का जाएगा बिल्कुल जनाब तुर्की हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे बाबर ने अपनी आत्मकथा जिसका नाम है तुझके बाबरी, वो लिखा तुर्की भाषा में। प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और बाबर ने एक और लिखा था बाबरनामा, वो भी है जो अपने उसने खुद ने लिखा था दोस्तों, खुद की कृति थी। किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था दोस्तों, हुमायूं जो है शेर खान से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था। खानवा का युद्ध तो दोस्तों हुआ नहीं था। ठीक है, चंदेरी का युद्ध क्या राइट आंसर होगा, तो दोस्तों नहीं होगा। सोसा का युद्ध नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जाएगा, कन्नौज का युद्ध प्यारे दोस्तों। ठीक है, कन्नौज का युद्ध। आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें जो कौन पराजित हुआ, हुमायूं हुआ शेर खान से दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हुमायूं नामा की रचना किसने की दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों मध्यकालीन इतिहास के और बेहतरीन प्रश्न है, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। हुमायूं नामा की रचना रोशन आरा ने, अबुल फजल ने, बदायूं ने या गुलबदन बेगम ने। कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, कितना आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर गुलबदन बेगम जाएगा दोस्तों, गुलबदन बेगम जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे जिन भी प्यारे भाई बहनों ने डी ऑप्शन बताया, नंबर 37 भी आपकी स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों, आपके लिए जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ शेरशाह का मकबरा, जैसे कि कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो भी इन लोगों की, जैसे कि शेरशाह की दरगाह कहाँ पे है, या फिर इनके द्वारा जो जो मस्जिदें बनाई गई है, जो भी गेट दरवाजे बनाए गए, किले बनाए गए, मतलब ऐतिहासिक जो जो धरोहर मुगल कालीन या फिर जो अफगान शासकों द्वारा जो जो बनाए गए ना, वो मैं आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ दोस्तों। कहीं भी हो वो आपके लिए बेहतरीन होंगे हर एग्जाम के लिए। यहाँ पे शेरशाह का मकबरा रोहतासगढ़ होगा, कांजीजर होगा, सासाराम होगा या पटना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे सासाराम ही जाएगा ना दोस्तों, सी ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ चुका है दोस्तों, अकबरनामा की रचना जो की थी वो किसने की थी दोस्तों।
ठीक है। अकबरनामा की रचना जो की थी ये किसने की थी, फेजी ने की थी दोस्तों, या अबुल फजल ने की थी, या बदायूनी ने की थी, या अब्दुल रहीम खान खाना ने। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। अकबरनामा की रचना दोस्तों बी ऑप्शन सभी प्यारे भाई बहन अबुल फजल ही बताएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ना। चलिए अब ये 39 नंबर भी आपके स्क्रीन पे राइट आंसर जाएगा तो किसके साथ दोस्तों, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। अकबर व महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों, यहां पे 1570 ऑप्शन है, 72 ऑप्शन है, 75 भी ऑप्शन है और 76 भी ऑप्शन है। राइट आंसर तो मैं जानता हूं कि सभी प्यारे भाई बहन डी ऑप्शन बताएंगे, इसको इस युद्ध को कौन भूल सकता है जनाब, डी ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों। एक 18 जून 1576 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, एक 21 जून भी आता है दोस्तों, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक है जो 18 जून को माना गया है। और दोस्तों बात करें दोस्तों इस ये जो राजस्थान में सर्वाधिक और सबसे प्रचलित युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी, वैसे जो ज़्यादातर इतिहासकार इसे अनिर्णायक युद्ध मानते हैं, अनिर्णायक, इसमें ना तो जीते ना हारे ऐसा माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे राइट आंसर होगा तो किसके साथ, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी दोस्तों, दोस्तों न्याय की घंटी किस मुगल शासक ने लगाई थी, राइट आंसर किसके साथ जाएगा जहांगीर के साथ जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जहांगीर ने न्याय की घंटी लगवाई थी, मतलब कि इन्होंने अपने शासनकाल में न्याय करना शुरू कर दिया था, मतलब कि सही तरीके से दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था दोस्तों, देखिएगा यहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, मुगल काल की बात हो रही है, मुगल काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है, जहांगीर के साथ जाएगा राइट आंसर आपका, जहांगीर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे दोस्तों, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे दोस्तों, ये बताना है दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे जो है ना, आपको कहीं कहीं पे ऐसा भी बताया कि अकबर के काल में हुआ है और कहीं पे आपको औरंगजेब के काल में, दोस्तों बता दूं आपको, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार जो हुए थे वो हुए थे दोस्तों औरंगजेब का बता रखा, अधिकतर तो जो दोस्तों बताया हुआ है औरंगजेब का बताया हुआ है, डी ऑप्शन आप इसको यहाँ पे लॉक करेंगे, ठीक है, बिल्कुल दोस्तों डी ऑप्शन को याद रखेंगे आज से, औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू मनसबदार इस मुगल शासक के काल में हुए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, कितना आसान क्वेश्चन हो सकता है, दिल्ली का लाल किला जो है किसने बनाया था दोस्तों, ऐसे ही स्थापत्य कला कहो या ऐतिहासिक स्थल कहो, ये मैं आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूं, कहां पे स्थित है और किसने बनवाए, ऐसा ही कुछ वीडियो देखिएगा। अकबर ने नहीं बनवाए दोस्तों, जहांगीर ने भी नहीं, शाहजहां ने बनवाए, बिल्कुल दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये लो आपकी स्क्रीन पे, किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों, किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी दोस्तों, सिख धर्म के गुरु थे दोस्तों, राइट आंसर किसके साथ जाएगा 44 का राइट आंसर, जहांगीर ने दी थी दोस्तों, किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन आपका सही जवाब जाएगा। देखिए दोस्तों जल्दी से बताएंगे, नंबर 45 का जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता था, जिंदा पीर जो है किस मुगल शासक को कहा जाता था, बाबर को, औरंगजेब को, हुमायूं को या फिर शाहजहां को, दोस्तों जिंदा पीर जो है ना ये औरंगजेब को कहा जाता था दोस्तों, औरंगजेब को कहा जाता था, औरंगजेब एक क्रूर शासक था दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, और सर्वाधिक जजिया कर पर फोकस किसने दिया था, औरंगजेब ने ही दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया दोस्तों, लीजिएगा ताजमहल किसकी याद में और किसने बनाया था दोस्तों, राइट आंसर जाएगा नूरजहां की याद में, नहीं दोस्तों गुलबदन बेगम नहीं होगा, रोशन आरा भी नहीं होगा, मुमताज की याद में दोस्तों बनाया गया, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा, मुमताज, इसे मुमताज महल भी कहा जाता है,
और दोस्तों बात करें तो ये शाहजहाँ ने बनवाया था दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे। देखिएगा दोस्तों, सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? देखिएगा सिखों के नवे गुरु जो दोस्तों थे, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या अकबर ने? दोस्तों राइट आंसर जाएगा आपका बी ऑप्शन के साथ, औरंगजेब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है कैसा और किस प्रकार का आता है? 48 नंबर क्वेश्चन है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? दोस्तों जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी दोस्तों कौन था, व्यापारी कौन था? वो था कैप्टन हॉकिंस दोस्तों। उसके बाद कौन आया था? सर टॉमस रे आया था। हॉकिंस, हॉकिंस जो है ये व्यापार का समझौता करने में असमर्थ रहा था, सर टॉमस रो जो है ये समर्थ रहा था। ओके दोस्तों, चले अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या बात करें, इसके बारे में अपन पढ़ चुके दोस्तों। रंगीला किस मुगल शासक को कहा गया? अहमद शाह को, मोहम्मद शाह को, जहांदार खां शाह को या फिर बहादुर शाह को? दोस्तों इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन अपन ने शायद एक दो दिन पहले ही पढ़ा कि रंगीला जो है किस मुगल बादशाह को कहा गया? मोहम्मद शाह को कहा गया। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा, महमूद शाह को रंगीला कहा गया दोस्तों, ठीक है ना। बहुत अच्छे दोस्तों, नंबर 50 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब ये बता दियो दोस्तों, अष्टप्रधान की संज्ञा जो है किसके मंत्रिपरिषद को, किस शासक के मंत्रिपरिषद को दी गई थी दोस्तों? राइट आंसर दोस्तों किसके साथ जाएगा? जल्दी से हर भाई हर बहन बताएंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार का अपन ने प्रश्न कल भी पढ़ा था ना दोस्तों, बिल्कुल पढ़ा था। और दोस्तों आज जो ये प्रश्न है कल वाले से बिल्कुल भिन्न है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों किसके साथ जाएगा, जल्दी से बताएंगे। कल वाला एक आपके लिए प्रश्न था अष्ट दिग्गज दोस्तों, क्या था? आज तो अष्ट प्रधान है, कल था अष्ट दिग्गज। और ये अष्ट दिग्गज किसके काल में हुआ था? ये कृष्ण देव राय के काल में हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर शिवाजी जाएगा दोस्तों, ओके ना। शिवाजी के कुल मंत्रिपरिषद थे दोस्तों, और मंत्रिपरिषद में अष्ट प्रधान 8 अधिकारी थे दोस्तों, याद रखना है हर फील्ड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सॉरी जल्दी जल्दबाजी में, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। 51 नंबर, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ किया था दोस्तों? बता देंगे जल्दी से और फिर अपना आगे बढ़े दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक तोरण में नहीं किया तो कहा? नागपुर में भी नहीं किया दोस्तों, बेसिन में भी नहीं, रायगढ़ में किया। बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर रहेगा सभी भाई बहनों का, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं। किसे जाटों का प्लूटू या फिर जो है अफलातून कहा गया दोस्तों? किसे जाटों का प्लूटू या फिर अफलातून कहा गया दोस्तों? इससे आसान क्या हो सकता है, राजस्थान जीके का प्रश्न आपके लिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर दोस्तों बदन सिंह नहीं होगा, चूड़ामन भी नहीं होगा, सूरजमल हो जाएगा दोस्तों, भरतपुर का शासक था। और दोस्तों भरतपुर ऐसी रियासत, ऐसा राज्य जहां पे जाटों का शासन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नंबर 53 दोस्तों देखिएगा। गुरु क्या पूछा है? गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? प्यारे दोस्तों क्या पूछा है कि गुरुमुखी लिपि के जनक जो थे वो कौन थे? गुरु नानक देव थे या गुरु अंगद थे या गुरु रामदास थे या गुरु गोविंद थे? गुरुमुखी लिपि के दोस्तों थे आपके गुरु अंगद, राइट आंसर। ये मैं आपको काफ़ी समय पहले बिल्कुल बता चुका हूँ, मेरे साथ पहले से जुड़े उनको पता होना चाहिए। गुरु अंगद आपका राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ, बिल्कुल नंबर 54 भी आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। देखिएगा खालसा पंथ या सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक किसे माना जाता है या प्रवर्तन कौन थे ये बताना है दोस्तों। हरकिशन थे, तेग बहादुर थे या गुरु गोविंद सिंह थे या हर गोविंद थे दोस्तों? राइट आंसर जल्दी से बताएंगे। खालसा सेना की स्थापना और पाहुल पर्व की स्थापना किसने की दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। आपका डी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नंबर 55 भी आपकी स्क्रीन पर, ये लो दोस्तों। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और तथा जेकोबिन क्लब का सदस्य बना? किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, ठीक है, और जेकोबिन क्लब का सदस्य भी बना? टीपू सुल्तान या सवाई जय सिंह सेकंड या फिर जो है चिनी क्लिच खान या फिर रणजीत सिंह? दोस्तों टीपू सुल्तान आपका राइट आंसर होगा,
ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होगा दोस्तों, और ये छोटी उम्र में ही है जो बहादुर थे दोस्तों। ठीक है, चलिए नंबर 56 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा प्रणाली किसने शुरू करवाई थी दोस्तों। दोस्तों मध्यकालीन बात हो रही है, तो मध्यकालीन में तो बात दोस्तों अकबर को यदि मुगल काल का इसी में जैसे कि संस्थापक माना है, तो यहाँ पे मनसबदारी भी इसी के काल में हुई, तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा, अकबर ही होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज का जल्दी से बता देंगे सभी भाई बहने, और ये क्वेश्चन बेहतरीन है जनाब, देखिएगा। पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय शुरू की गई थी, अकबर के समय। देखिए दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय शुरू की गई, अकबर के समय या फिर जो है आपका जहांगीर के समय या शाहजहां के समय या बाबर के समय। लेकिन दोस्तों सही जवाब आपका जाएगा बी ऑप्शन के साथ, जहांगीर के समय पुर्तगालियों ने यहाँ पे तंबाकू खेती है जो पुर्तगाली द्वारा लाई गई थी, और तंबाकू खेती यहाँ पे इस मुगल शासक के जहांगीर के समय यहाँ पे स्थापित हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, और 27 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए जरूर स्कोर बताइएगा, और दोस्तों सुपर फास्ट करने की कोशिश की है, कहीं कहीं कोई थोड़ा बहुत एडवांस देने की भी कोशिश की है, और दोस्तों कल के क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल चलते हैं उसकी ओर। तो दोस्तों कल आपसे ये प्रश्न पूछा गया था कि सोथी सभ्यता जो है कौन से जिले में स्थित है, तो दोस्तों बीकानेर आपका राइट था, और यहाँ पे सबसे पहले भाई बहने बताने वाले टॉप 10 की लिस्ट भी यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। इमीचंद ज्ञानी भैया जी नंबर 2 पे, मोहर सिंह जी नंबर 3 पे, रांझू महावर जी नंबर 4 पे, मेहरा जी नंबर 5 पे, राजेंद्र केवी जी नंबर 6 पे, दुर्गा राम चौधरी जी नंबर 7 पे, मनीषा प्रजापत जी नंबर 8 पे, पृथ्वीराज गुर्जर जी नंबर 9 पे, मनदीप छहल जी, और नंबर 10 पे विनीता भन्नत जी। बिल्कुल आप सभी प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप इसी प्रकार एक्टिव रहा करें, और आज का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, और दोस्तों सभी भाई बहनों को एक्टिव रहते हुए बताना है आज का प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न है, लीजिएगा जल्दी बताना है सभी को। ठीक है, लीजिएगा, राजस्थान का अन्न भंडार किस जिले को कहते हैं दोस्तों। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और आप सभी को बताने बहुत ही इससे आसान क्या हो सकता है, राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहते हैं दोस्तों, मतलब कि किस जिले को कहा जाता है। जल्दी से सभी प्यारे दोस्त भाई बहने जवाब दे देंगे, उसके बाद आज की क्लास को, आज की वीडियो को बिल्कुल करता हूं एंड, और आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूं आप सभी ने जवाब दे दिए होंगे। और दोस्तों आज रात्रि को अपन पढ़ने वाले हैं गंगानगर को, ठीक है, तो गंगानगर जिला दर्शन रहेगा, आप सभी का बहुत बहुत आभार रहेगा कि आप सभी लाइव रहेंगे। और दोस्तों आज की क्लास के बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्लास कैसी लगी, सुपर फास्ट रही कि नहीं रही। बिल्कुल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।